हेलो गाइस, तो देखिए ये है रैंचो गोल्डफिश, जिसे मैं मोटका रैंचो बोलता हूँ। देखिए गाइस, रैंचो फिश ऐसा ही दिखता है। दरअसल गाइस, इससे पहले मैंने जितना भी गोल्डफिश रखा था वो लगभग सब मर गया था। लगभग 15-20 गोल्डफिश जो है गाइस मेरा मर चुका है अभी तक साल भर में। और ऐसा इसलिए हुआ था गाइस क्योंकि अब इससे पहले मैं जितना भी गोल्डफिश रखता था वो मर जाता था, लेकिन अब जब मैं रखता हूँ तो नहीं मरता है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है गाइस कि देखिए, पहले जो मैं रखता था, मैं मोटर ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये वाली तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से बबल निकल रहा है और ये जो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ से बबल निकलेगा। अभी स्टार्ट किया तो थोड़ा सा एयर लेने में समय लगता है। तो देखिए गाइस, पहले मेरे पास वो फिल्टर नहीं हुआ करता था, वो वाली एयर पंप दिखाता हूँ गाइस, ये वाली एयर पंप और वो वाला एक आदमी केवल हुआ करता था, जो केवल बबल ही फेंकता था, वाटर को फिल्टर नहीं करता था, जिसके वजह से मेरे टैंक के ज़्यादातर गोल्डफिश जो है मर गए गाइस। और एक और रीज़न था मेरे बहुत सारे गोल्डफिश मरने का कि मैंने क्या किया था, बगल में से एक तालाब था तो उसमें से बहुत सारे पोठिया मछली को मैंने वहाँ से पकड़ के ले आया था गाइस, और फिर उसके बाद मैंने इस टैंक में डाल दिया। तो वो जितने भी पोठिया मछली जो थे, जिसको इंडियन बार्ब बोलते हैं, वो टैंक को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता था, बहुत ज़्यादा डर्ट फैला देता था गाइस। मतलब जैसे आप टैंक देख रहे कितना नीट एंड क्लीन है, पर ऐसा नीट एंड क्लीन नहीं रहता था, एकदम गंदा कर देता था। तो उस गंदगी के वजह से भी बहुत सारे गोल्डफिश मरा, और कुछ कुछ पोठिया फिश ऐसे थे जो एग्रेसिव थे, तो जो गोल्डफिश को मार रहा था, तो इस वजह से भी मेरा गोल्डफिश मरा है। तो अगर आप गोल्डफिश रखते हैं गाइस, तो आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, वाटर को साफ रखना होगा, कोई ऐसे मछली को नहीं रखना होगा जो एग्रेसिव फिश हो, जो गोल्डफिश को मारता हो। तो मेरे इतने सारे गोल्डफिश नुकसान हो गए गाइस, लेकिन अब मैं जब भी गोल्डफिश को रखता हूँ तो मेरा गोल्डफिश नहीं मरता है। और इसका मेन रीज़न है वो फिल्टर, और जितने भी सारे मैंने एक्वेरियम में फिश रखे सारे डोसाइल फिश है। तो अगर गोल्डफिश के साथ अगर आप डोसाइल फिश रखते हैं, सीधे साधे मछली रखते हैं और फिल्टर रखते हैं, तो आपके गोल्डफिश कभी नहीं मरेंगे। तो मेरे भी गोल्डफिश मरे थे और मैंने अभी गोल्डफिश रखना सीख गया गाइस। तो इसलिए आप लोगों को जो जो गलतियां मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो गलती ना करें, तो आपके गोल्डफिश बहुत लंबे समय तक चलेंगे। मेरे एक दोस्त के जान पहचान वाले, तो उसके गोल्डफिश लगभग 6 साल तक जिंदा रहा। तो अगर आप गोल्डफिश रखते हैं तो आप उसके अगर केयर करते हैं तो 5-6 साल तक आप गोल्डफिश को रख सकते हैं, और ये दिखने में भी बहुत प्यारा दिखता है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फिश के बारे में बात करूंगा, कार फिश के बारे में। तब तक के लिए बाय गाइस।